नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव, आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में स्टडी करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस खोजने वाले तीन वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनकी बदौलत सिरोसिस लीवर कैंसर की पहचान संभव हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। कोरोना का इलाज खोजने के दौर में हेपेटाइटिस सी वायरस खोजने वाले वैज्ञानिक सम्मानित हुए हैं और ये तीनों वैज्ञानिक हैं हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हाफ्टन। ये तीनों वैज्ञानिक इसलिए नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं क्योंकि हेपेटाइटिस सी वायरस संक्रमित खुद नहीं जानते कि वे पीड़ित हैं। जल्द पहचान न हो तो इलाज मुश्किल होता है। इस खोज के बाद ही सटीक और प्रभावी टेस्ट की राह खुली है। कई देशों में ब्लड में हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग से रक्त चढ़ाए जाने के बाद हेपेटाइटिस के मामले शून्य पर आ गए हैं। साल 2020 के लिए चिकित्सा का प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज अमेरिकी वैज्ञानिकों हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल हाफ्टन को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। तीनों को यह प्राइज हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज और सिरोसिस व लीवर कैंसर जैसी बीमारी के लिए इलाज की राह सुलभ करने के लिए दिया जाएगा। हेपेटाइटिस सी एक ऐसा वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति की लगाई सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल और संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने से फैलता है। दरअसल हेपेटाइटिस ए और बी वायरस 1965 तक खोजे जा चुके थे, लेकिन सालों तक वैज्ञानिक इस उलझन में रहे कि कुछ वायरस अब भी लीवर में प्रवेश कर उसे क्षति पहुंचाते हैं। साल 1970 में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में प्रोफेसर हार्वे आल्टर ने पाया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कुछ मामले ए या बी वायरस से नहीं जुड़े थे। सो यही से संकेत मिले कि कोई रहस्यमय वायरस भी है जो लोगों की जान ले रहा है। साल 1980 में प्रोफेसर माइकल हाफ्टन को पहली बार वायरस की जेनेटिक श्रृंखला पहचानने में सफलता मिली। इससे पता चला है कि यह एक फ्लेवी वायरस है। इसके बाद इसे हेपेटाइटिस सी नाम दिया गया। शोध से ऐसा ब्लड डायग्नोस्टिक टेस्ट विकसित करने में सफलता मिली जिससे हेपेटाइटिस सी की पहचान की जा सकती थी। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चार्ल्स राइस ने साल 1997 में इसे लैब में तैयार करने में सफलता हासिल की। इस तरह तीनों वैज्ञानिकों की खोजें क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बाकी मामलों का कारण सामने लाई। इसके बाद ब्लड टेस्ट और नई दवाओं का निर्माण संभव हुआ। WHO के मुताबिक वर्तमान में दुनिया में हेपेटाइटिस सी वायरस से 7 करोड़ लोग संक्रमित हैं। नोबेल असेंबली के सेक्रेटरी प्रोफेसर थॉमस पर्लमैन ने कहा है कि उन्हें ऑल्टर और राइस को कई कॉल करने पड़े, वे सो रहे थे इसीलिए बात नहीं हो पाई। सो ये था दिस इज ऑल अबाउट जो नोबेल पुरस्कार मिला है जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये तीनों वैज्ञानिक जो हेपेटाइटिस सी वायरस खोजने वाले वैज्ञानिक हैं। तो ये था इन तीन वैज्ञानिकों हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हाफ्टन, जिनको चिकित्सा का प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज मिला है जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट नोबेल प्राइज विच इज गिवन इन द सेक्टर ऑफ मेडिकल फील्ड। सो ऐसे ही वीडियोस के मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।